Hello everyone, welcome to Inspiration IAS daily news analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 11th May 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Visualizations magazine by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for more study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC and other state PCS examinations like APSC, Assam Public Service Commissions, JKPSC, Jammu Kashmir Public Service Commissions, Bihar Public Service Commissions, as well as Uttar Pradesh Public Service Commissions. So if you are preparing for UPSC or other state PCS examination, you can enroll in this foundation batches, where you can prepare civil services from the luxury of your home itself, where the top faculties of India used to teach both online and offline format. Inspiration IAS has started its mock test series for UPSC and other state PCS examinations prelims 2021. So if you are preparing for this year prelim examinations, then you can enroll in this mock test series. For more information, you can call in this given number or you can register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today daily news analysis. Aaj ka hamara pehla news hai World Food Price Index se related. Abhi recently World Food Price Index release hua hai aur इस वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स में 11th कंसेक्यूटिव मंथ से लगातार ये फूड प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हुआ है एंड फर्दर द प्राइस आल्सो हिट द हाईएस्ट लेवल सिंस मई 2014 से आज ये लगभग सबसे हाईएस्ट मार्क पर पहुंचा है. तो समझते हैं आखिर ये वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स है क्या. देखिए वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स ये रिलीज करता है FAO मींस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1996 में एज ए पब्लिक गुड्स टू हेल्प इन मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट. तो ये ग्लोबल एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट्स को समझने के लिए या उनको मॉनिटर करने के लिए ये इंडेक्स निकाली गई थी ताकि फूड से रिलेटेड मार्केट में कैसी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है और क्योंकि फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है जहाँ पर ये हमारे बहुत सारे एरियाज को इफेक्ट करता है. पर्पस क्या है. द इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ द मंथली चेंज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ए बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज. तो इंटरनेशनल मार्केट में एक बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज की प्राइस कैसे कैसे हर मंथ किस हिसाब से चेंज हो रही है ये मॉनिटर करता है. अगर इसके बारे में बात किया जाए तो कमोडिटीज जो होता है वो कंसिस्ट करता है मतलब जो फूड बास्केट में कंसिस्ट होता है इट्स एवरेज ऑफ 5 कमोडिटी ग्रुप्स प्राइसेस इंडिसेस जैसे कि सीरियल्स होता है उसके अंदर में वेजिटेबल्स होता है डेयरी मीट वगैरह एंड शुगर के कंटेंट वहां पर होते हैं. ऑल्सो दिस 5 इंडेक्स इज गिवेन वेटेज बेस्ड ऑन द एवरेज एक्सपोर्ट शेयर्स. इनका जो हर चीज़ों का जो एक्सपोर्ट शेयर होता है वो भी इसके अंदर में वो भी ये बेसिस होती है इस इंडेक्स के लिए. आपको यहाँ पर ये चार्ट दिख रहा होगा जहाँ पर शुगर डेयरी सीरियल्स मीट ऑयल एंड फैट्स वगैरह के इसमें कंटेंट दिए गए. इसका जो बेस ईयर होता है 2014-16 है. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंडेक्स होता है वर्ल्ड फूड प्राइस को मॉनिटर करने में और देखने में. इससे मालूम चलता है कि कितने लोगों के पहुंच में आज का फूड है और इससे ये भी कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज दुनिया में कितने लोग भूखे सोते हैं. अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया जाए तो ये एक तरह की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की एंड दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर. ये हंगर या भूख कम करने के लिए ये काम करते हैं लोग ये ऑर्गेनाइजेशंस. ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली. कुछ डेटा या इंडेक्स ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है. वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है. स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर जिसको हम लोग सोफिया बोलते हैं. स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड सोफी एंड वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स ये भी यही रिलीज करते हैं. इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव भी स्टार्ट किए हैं जैसे कि ग्लोबल इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम GIAHS जिसको बोलते हैं कोडेक्स एलिमिनेटर्स कमीशंस ऑन और CSC जिसको बोला जाता है एंड ट्री साइट्स सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम अमंग अदर्स. तो ये कुछ इनिशिएटिव्स ही FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है.
तो ये आपके मेंस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इवन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसमें से कौन से इंडेक्स वगैरह रिलीज करता है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है। इवन इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड अबाउट इज इट ए एजेंसी ऑफ यूएन और नॉट, और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट या इवन फूड फूड इंडेक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कौन सा बेस ईयर होता है और ये क्या शो करता है। इवन दे कैन ऑल्सो आस्क द फूड बास्केट मीन्स कमोडिटी बास्केट में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होते हैं। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है सोशल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। रिसेंटली सेबी के जो टेक्निकल ग्रुप है टीजी ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है एंड द एक्सपर्ट पैनल वाज हेडेड बाय हर्ष बनवाल एक्स चेयरमैन नाबार्ड। वो एक्स चेयरमैन नाबार्ड हैं। तो उन्होंने सेबी ने ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो अपने जो डेटा है उनके जो टेक्निकल ग्रुप है उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट किया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर में। अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज हमने नॉर्मल तौर पे स्टॉक एक्सचेंज सुना था, ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है समझते हैं आखिर ये है क्या। देखिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज इज ए प्लेटफॉर्म दैट अलाउज इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन सेलेक्ट सोशल एंटरप्राइजेस और सोशल इनिशिएटिव्स। मतलब कि यहां जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे कैन इन्वेस्ट, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, उसी तरह से यहां जो इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं सोशल एंटरप्राइजेस और सोशल इनिशिएटिव्स में, जैसे कि एज ओल्ड स्कीम्स, बाकी और जो सेक्टर्स होते हैं जिसमें सोशल सेक्टर जो स्कीम्स वगैरह होता है उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। सोशल इंटरप्राइज इज ए रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस। सोशल इंटरप्राइजेस जो होती है एक तरह का रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस होती है एंड द प्राइमरी ऑफ एम ऑफ सोशल इंटरप्राइज इज टू अचीव ए सोशल ऑब्जेक्टिव सच एज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर और ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी। तो ये कुछ सेक्टर्स होते हैं जहां पर ये इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मेन एम होता है टू हेल्प सोशल एंड वॉलंटरी इंटरप्राइजेस टू रेज कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और डेब्ट और डेट और ए यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड। ग्लोबल एग्जांपल अगर है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के, ये एग्जिस्ट बहुत सारे कंट्रीज में करता है, जैसे कि इट इज एग्जिस्ट इन कंट्रीज सच एज सिंगापुर, यूके, नैसडेक वगैरह ले लीजिए, यूके अमोंग अदर्स। दिस कंट्रीज अलाउज फर्म्स ऑपरेटिंग इन सोशल सेक्टर्स टू रेज रिस्क कैपिटल्स। तो ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ये अलाउ करते हैं ऐसे सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स को जहां से वो फंड वगैरह रेज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो काफी अच्छा स्कीम्स है, इससे एनर्जी और क्लीन और हेल्थ केयर के लिए भी काफी अच्छा फंड मिल जाता है। इंडिया के बारे में देखा जाए तो हमारा पहला सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो रिलीज हुआ था 2019 में यूनियन बजट के, और सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड ए ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टाटा ग्रुप वेटरन इशत हुसैन के चेयरमैनशिप पर उन्होंने सेबी ने एक ग्रुप भी बनाया था। एंड इन 2020 सेबी अगेन सेटअप द टेक्निकल ग्रुप अंडर हर्ष बनवाल एक्स चेयरमैन नाबार्ड, दिस टाइम फॉर गेटिंग फर्दर एक्सपर्ट एडवाइस एंड क्लैरिटी ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज दैट कमिटी सबमिट इट्स रिपोर्ट। और ये कमिटी अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया है। देखिए इस कमिटी की ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, जैसे कि क्या रिकमेंडेशन दिया है। सबसे पहला उन्होंने बोला है कि बोथ फॉर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अलाउड टू टैप द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। मतलब यहाँ पर दोनों ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग अलाउ करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अगर चाहें तो इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज में आके फंड को रेज कर सकते हैं। इवन ए सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइडेड दे आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर सोशल इंटेंट एंड इम्पैक्ट। इवन वो अपना सोशल इंटेंट और इम्पैक्ट भी शो कर सकते हैं। दूसरा, कॉर्पोरेट फाउंडेशंस, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मेड इन एलिजिबल टू रेज फंड्स यूजिंग द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए जो कॉर्पोरेट्स वगैरह है और जो पॉलिटिकल फाउंडेशन, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रोहिबिट किया जाएगा किसी भी तरह के फंड रेज करने से सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि वो फिर अपना उनका जो दूसरा सेक्टर है वो भूल जाएंगे और इस एरिया में वो आना शुरू कर देंगे, जो हार्म होगा, जो एक्चुअल जो मोटिव होगा वो फेल्ड हो जाएगा। मोड क्या होगा, मोड अवेलेबल फॉर द फंड रेजिंग, जैसे कि एनपीओ इट शैल बी इक्विटी, जीरो कूपन प्रिंसिपल बॉन्ड होगा, ZCZP, डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड होगा, सोशल इंपैक्ट फंड करेंटली नोन एज सोशल वेंचर फंड, इसको सोशल वेंचर फंड भी बोला जाता है, विथ 100% ग्रांट इन ग्रांट्स आउट प्रोविजन एंड डोनेशन बाई इन्वेस्टर्स थ्रू म्यूचुअल फंड। और इवन डोनेशन जो इन्वेस्टर्स हैं जो इवन दे कैन ऑल्सो डोनेट फ्रॉम म्यूचुअल फंड के थ्रू। पर प्रॉफिट जो इंटरप्राइजेस होंगे इट विल बी इक्विटी, डेट, डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड एंड सोशल वेंचर फंड्स।
ठीक है। और जो द कैपेसिटी बिल्डिंग फंड फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज विल बी, इट शुड हैव ए कॉर्पस ऑफ 100 करोड़, 100 करोड़ का कॉर्पस फंड होगा इसका, एंड दिस फंड शुड बी हाउस अंडर नाबार्ड, ये नाबार्ड के अंदर में होगा। नाबार्ड एंड एक्सचेंज एंड अदर डेवलपमेंटल एजेंसी सच एज सिडबी शुड बी आस्क टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस फंड, इवन शुड बी सिडबी को भी कहा जाएगा इस फंड में कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, ये जो कॉर्पस वो जनरेट होगा। तो ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी ये खुले हुए हैं, इंडिया में पहली बार ये स्टार्टिंग हो रही है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, हो सकता है इससे हमें सोशल सेक्टर स्कीम के लिए ज्यादा फंड मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है प्रोजेक्ट मेडी कैब से रिलेटेड। अभी कोरोना से और कोरोना के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव स्टार्ट हो रही है, और जैसे कि हमने आज जितने भी कोरोना के जो न्यूज़ वगैरह है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यह आपको सारी न्यूज़ अवेलेबल कराऊँ। सो उसी श्रृंखला में ये एक नया प्रोजेक्ट रिसेंटली IIT मद्रास ने चालू किया है, इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकैप। देखिए IIT मद्रास ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, ये एक तरह का आइसोलेशन बेड है जहां पर ICU की फैसिलिटीज है, और ये एक ऐसी फैसिलिटीज है जो पोर्टेबल है, मूवेबल है, मतलब इसको कहीं भी लगाया जा सकता है। आपको दिख रहा होगा ये एक घर की तरह है, और ये एक तरह का ऐसा सेटअप है जो कहीं भी उठा के ले जाया जा सकता है, और विद इन 8 to 9 hours में इसको सेटअप भी किया जा सकता है, और इसमें इवन 2 ICU बेड भी होंगे जहां पर पेशेंट की ट्रीटमेंट वगैरह भी हो सकती है। सो थोड़ा समझते हैं आखिर ये है क्या। IIT मद्रास सपोर्टेड ए स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग हैज डेवलप्ड ए पोर्टेबल हाउसिंग यूनिट कॉल्ड मेडिकैप। ये ध्यान रखिएगा, मॉड्यूलस हाउसिंग इज बेसिकली ये स्टार्टअप, और इसको सपोर्ट कर रहा है IIT मद्रास। ये है क्या प्रोजेक्ट मेडिकैप, इज एन इनिशिएटिव ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स एंड IIT मद्रास। पर्पस इसका ये है, इट इज ए पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट दैट हैज बीन डेवलप्ड टू बूस्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय असिस्टिंग स्टेट्स टू सेटअप COVID-19 एक्सटेंशन हॉस्पिटल्स। तो जहां पर हॉस्पिटल फिल्ड हो चुके हैं और उसी हॉस्पिटल को एक्सटेंड करने की बात चल रही है, तो दिस हाउसेस, दिस टाइप ऑफ मेडिकैप कैन बी यूज टू एक्सटेंड द रिसेंट कैपेसिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। द प्रोजेक्ट इज ए डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू डिटेक्ट, स्क्रीन, आइडेंटिफाइड, आइसोलेट एंड ट्रीट COVID-19 पेशेंट्स। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है जहां पर डिसेंट्रलाइज्ड है, पेशेंट्स को डिटेक्ट किया जाएगा, उनको स्क्रीन किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा, एंड देन दे कैन बी ट्रीटेड इन देयर लोकल कम्युनिटीज थ्रू दिस पोर्टेबल माइक्रोस्ट्रक्चर्स। तो इस तरह के पोर्टेबल माइक्रोस्ट्रक्चर्स को वो हेल्प कर सकता है, मतलब माइक्रोस्ट्रक्चर इंस्टॉल करके उस पेशेंट को वहीं पर उनके लोकल एरिया में ही उनको ट्रीट किया जा सकता है। अगर इसके की फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो इसके अंदर में एक पोर्टेबल हॉस्पिटल पोर्टेबल हॉस्पिटल इज फोल्डेबल। ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल होता है वो फोल्डेबल होता है। इट इज कम्पोज ऑफ 4 zones, 4 zones इसके अंदर में होते हैं, जैसे कि एक आइसोलेशन रूम होगा, एक डॉक्टर रूम्स होगा, एक ट्विन बेड ICU होगा, एंड मेंटेन एट नेगेटिव प्रेशर, एंड ए मेडिकल रूम होगा या वार्ड जिसको बोलते हैं। तो ये 4 चीज़ें होगी जो इस छोटे से कमरे के अंदर में। द हॉस्पिटल कैन बी इजिली असेंबल्ड इन 8 hours बाई 4 people, 4 लोग मिलकर ये पूरे के पूरे ये बेड को, मतलब पूरे हाउस को सेटअप किया जा सकता है, कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ये है कि इस तरह के इनोवेशन सच एज मेडिकैप विल हेल्प इन बूस्टिंग द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एज इट कैन बी रैपिडली ट्रांसपोर्टेड। द हॉस्पिटल कैन बी डिप्लॉयड एट एनी प्लेस एंड एट एनी टाइम, किसी भी वक्त कहीं भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है इस हॉस्पिटल को। तो ये एक तरह का अफोर्डेबल एंड पोर्टेबल हॉस्पिटल्स है। होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। ये तो काफी अच्छा इनिशिएटिव्स है IIT मद्रास का। चलिए हम लोग अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है इलीगल सेल ऑफ यूरेनियम से रिलेटेड। रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि कुछ 2 लोगों को पकड़ा गया है जो यूरेनियम बेचने के फिराक में थे, और उनके पास ये इसको बेचने का किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं था और ये इलीगल था, तो उनको अरेस्ट किया गया है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत। इस सब्सटेंसेस को जब टेस्ट किया गया तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसकी कंफर्मेशन दी कि ये एक यूरेनियम ग्रेड ही है। नेक्स्ट, यूरेनियम के बारे में जैसे आप लोगों को मालूम होगा ये एक तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होता है, इसको यूज किया जाता है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एटम बॉम्ब में भी इसका यूज होता है यूरेनियम का। यूरेनियम आमतौर पर नेचुरली नेचर में ऑकर करता है इन लो कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में नेचर में ये प्रेजेंट रहता है, मिट्टी, पत्थर, पानी, इवन पानी में भी ये प्रेजेंट होता है। एंड इट इज़ ए हार्ड, डेंस, मैलिएबल, डक्टाइल एंड सिल्वर वाइट रेडियो एक्टिव मेटल्स। ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, ये हार्ड होता है, बहुत ही डेंस होता है,
मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, इसको तार में बनाया जा सकता है, तार में इसको स्ट्रेच किया जा सकता है या तार की तरह इसको खींचा जा सकता है। ये सिल्वरी वाइट एंड रेडियो एक्टिव मेटल्स होता है। यूरेनियम मेटल हैज़ अ वेरी हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, एंड व्हेन फाइनली डिवाइडेड इट कैन रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी से रिएक्ट भी कर सकते हैं। इन एयर इट इज कोटेड बाई यूरेनियम ऑक्साइड, ये हवा में जब प्रेजेंट रहते हैं तो ये यूरेनियम ऑक्साइड से कवर अप हो जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कॉपर वगैरह के जो मेटल होते हैं वो कवर अप हो जाते हैं कॉपर ऑक्साइड से, उसी तरह से यूरेनियम अगर हवा में रहेगा तो ये यूरेनियम ऑक्साइड से कवर्ड हो जाएगा। टार्निशिंग रैपिडली, ये बहुत जल्दी टार्निश करना शुरू कर देता है, एंड इट कैन फॉर्म सॉलिड सॉल्यूशंस एंड इंटरमेटेलिक कंपाउंड विथ मेनी ऑफ द मेटल, ये दूसरे मेटल के संग भी मिलके ये इंटरमेटेलिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। यूरेनियम डिपॉजिट के बारे में देखा जाए तो UCIL इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारे यूरेनियम के माइनिंग वगैरह को देखती है। इन इंडिया यूरेनियम डिपॉजिट्स ऑकर इन धारवाड़ रॉक्स, ये ध्यान रखिएगा UPSC में क्वेश्चन आ सकता है कि यूरेनियम किस कैसे रॉक्स में मिलता है, तो ये धारवाड़ रॉक्स में मिलता है। एंड इट ऑकर्स अलॉन्ग द सिंहभूम कॉपर बेल्ट झारखंड, झारखंड के जो सिंहभूम कॉपर बेल्ट है उस रीजन में भी मिलता है, उदयपुर अलवर और झुंझुनू में भी ये कहीं ना कहीं मिलता है राजस्थान के। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन सब सारे रीजन्स में मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि UPSC इस बार ये पूछ सकता है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ रिजर्व्स हैव बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड इन पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रिसेंटली सेसाचलम फॉरेस्ट और श्रीसाइलाम रीजन में भी ये आपके यूरेनियम मिले थे रिसेंटली। सो ये कुछ रीजन है जहां पर इंडिया में यूरेनियम मिलते हैं। इसके लीगल फ्रेमवर्क को अगर देखा जाए इंडिया यूरेनियम से रिलेटेड, तो UCIL ने बहुत सारे नॉर्म्स बना रखे हैं, अलॉन्ग विथ बहुत सारे एक्ट्स भी हैं जो इस मेटल्स को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि इन परसुएंस टू एंट्री एट सीरियल नंबर 54 ऑफ लिस्ट 1, ये लिस्ट यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो यूनियन लिस्ट होती है उसके अंदर में आता है। और द पार्लियामेंट हैज़ पास द मिनरल्स एंड माइंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, तो 1957 में इंडियन पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किया था। हाउएवर विथ रिस्पेक्ट टू माइनर मेटल्स द रूल मेकिंग पावर हैव बीन डेलीगेटेड टू द स्टेट, बट ये माइनर मेटल्स जो होते हैं उसको स्टेट को दे दिया गया है रूल मेकिंग लॉ पावर, जबकि ये जो मेजर यूरेनियम एक मेजर मेटल होता है और जिसका रूल मेकिंग पावर स्टेट के सेंटर के पास होता है। यूरेनियम इज ए मेजर मेटल एंड इट इज मैनेज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट अंडर प्रोविजन ऑफ MMDR। द पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू मेजर मिनरल्स एंड मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, बट यूरेनियम बीइंग एन एटॉमिक मिनरल्स इज मैनेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। बाकी जो मेजर मिनरल्स होते हैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ माइन कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, जबकि यूरेनियम क्योंकि एक एटॉमिक मिनरल्स है इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैंडल करता है। द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 सीक्स टू प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज एंड प्लांट्स एंड मेजर्स टू प्रिवेंट रेडिएशन एक्सीडेंट, रिटेन पब्लिक सेफ्टी, एश्योर्स कॉशंस डिस्पोजल्स ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड सो ऑन। मेनी ऑफ दिस मिनरल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन रिच फॉरेस्ट रिजर्व्स सच एज, एंड दस अप्रूवल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बिकम नेसेसरी, तो इसके जो डिस्पोजल्स वगैरह जब होता है उसके लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का रिकमेंडेशन और अप्रूवल जरूरी होता है जो रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह होते हैं। आगे बढ़ते हैं, होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया, UCIL यूरेनियम और उससे रिलेटेड कंसेप्ट, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। चलिए अपने अगली न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है रिसेंटली पुडुचेरी, ये फोर्थ स्टेट, फोर्थ यूनियन टेरिटरीज या रीजन बना है इंडिया का जहाँ पर 100%, जहाँ पर ध्यान रखिएगा 100% टैप वाटर कनेक्शंस रूरल एरियाज में प्रोवाइड हो चुका है, तो जल जीवन मिशन ने ये कंफर्म किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये पुडुचेरी चौथा रीजन है इंडिया का, अब यूनियन टेरिटरीज या स्टेट तो चौथा रीजन पड़ता है ये। न्यूज क्या है समझते हैं, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी हैज बिकम द फोर्थ स्टेट और यूटी आफ्टर गोवा, तेलंगाना एंड अंडमान, याद रखिएगा इससे पहले गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये तीन ऐसे रीजन है स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जहां पर 100% टैप वाटर अवेलेबल है और पुडुचेरी इसमें चौथा नाम है।
यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कंफ्यूज कर सकता है कि पुडुचेरी इज द फर्स्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरीज, जबकि पुडुचेरी चौथा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज है। और ये जो यहाँ पर जो वाटर जो सप्लाई होता है, टैप वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल होम अंडर जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन JJM जिसको बोलते हैं, इसका जो लक्ष्य है हर घर जल योजना। फर्दर द स्टेट ऑफ द पंजाब एंड यूटी ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड डू हैव ऑल्सो क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ कवरिंग 75% ऑफ रूरल होम्स विद एश्योर्ड टैप वाटर सप्लाई। तो लगभग पंजाब स्टेट और दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये एक ऐसे रीजन इंडिया के हो रहे हैं जो रिसेंटली 75% का मार्क माइलस्टोन क्रॉस कर लिए हैं, जहां पर हर घर को टैप वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है इंडिया जैसे कंट्री के लिए। इस मिशन के बारे में समझा जाए तो ये जो मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है वो ये कंट्रोल करती है, एंड इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इस मिशन का नाम है नेशनल जल जीवन मिशन, और ये इन्विसेज करता है या इनका टारगेट है टू सप्लाई 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC बाई 2024। तो इनका जो लक्ष्य है, पहला जो लक्ष्य है, हर इंसान को 55 लीटर पानी सप्लाई करने का हर दिन 2024 के अंदर। दूसरा, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और JJM फोकस ऑन इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल। तो लोकल लेवल में जो इंटीग्रेटेड डिमांड और सप्लाई साइड मैनेजमेंट को ये लोग देखते हैं, एंड इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी मेजर्स एज मैंडेटरी एलिमेंट्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये कुछ और भी प्रोग्राम चलाते हैं जैसे कि पानी को रिसोर्स किया जा सके, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज इज टेकिंग इन कन्वर्जेंस विद अदर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। तो ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग जल जीवन मिशन्स ने। नेक्स्ट, ये जो जल जीवन मिशन है ये प्रायोरिटाइज कर रहे हैं प्रोविजन ऑफ FHTCs इन क्वालिटी अफेक्टेड एरिया, विलेज इन ड्रॉट प्रोन एंड डिजर्ट्स एरिया। जो सांसद आदर्श ग्राम योजना और उससे रिलेटेड जो विलेज लिंक्ड है उनके लिए भी। इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग फंक्शनल टैप कनेक्शन टू स्कूल्स, आंगनबाड़ी सेंटर्स, ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स, हेल्थ सेंटर्स, वेलनेस सेंटर एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। तो इन सब रीजन में भी ये पानी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर रिमूवल ऑफ कंटेनमेंट वेयर वाटर क्वालिटी इज एन इशूज। तो अगर कहीं अगर कंटेनमेंट वगैरह है या कंटेमिनेशन मिलता है पानी के अंदर में, तो उसको रिमूव करने की भी टेक्नोलॉजी ये लोग कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर रहे हैं या इंडिया में ही जनरेट किया जा रहा है, जैसे कि टाटा वगैरह इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही है और बाकी कंपनियाँ भी। तो कॉन्टेमिनेंट्स के रिमूवल के लिए द मिशन इज बेस्ड ऑन कम्युनिटी अप्रोच टू वाटर एंड इंक्लूड एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एज ए की कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिशन। जल जीवन मिशन लुक्स टू क्रिएट ए जन आंदोलन फॉर वाटर देयर बाई मेकिंग इट एवरीवन्स प्रायोरिटी। सबकी ये प्रायोरिटी है कि जन आंदोलन पानी के लिए स्टार्ट किया गया है जिससे हर किसी को पानी मिल सके। जो फंड की ये शेयरिंग पैटर्न होता है सेंटर और स्टेट का, ये 90:10 का होता है फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जितने भी हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वहाँ पर 90:10 का रेशियो चल रहा है, वेरस जितने भी अदर स्टेट्स हैं उनको 50:50 का, 50 सेंटर का और 50% स्टेट फंड करेगा एंड 100% फॉर द यूनियन टेरिटरीज। द टोटल एलोकेशन टू द स्कीम इज ओवर 3 लाख करोड़, और इस पूरे स्कीम्स का टोटल एलोकेशन जो हुआ वो 3 लाख करोड़ हुआ। तो ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जल जीवन मिशंस और पुडुचेरी और उससे रिलेटेड 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। लास्ट, जल जीवन मिशंस अर्बन भी स्टार्ट हुआ है और इसको लॉन्च किया गया है 2021-22 में। जल जीवन मिशन अर्बन वाज अनाउंस अंडर द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल टैप्स इन ऑल स्टेटरी टाउन्स इन अकॉर्डेंस विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आपको मालूम होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के अंदर में वाटर अवेलेबिलिटी का टारगेट लिया गया है, जिसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो इंडिया कोशिश कर रहा है कि 2024 तक उसको हम अचीव कर लें। ऑब्जेक्टिव्स जल जीवन मिशन अर्बन का है टू सिक्योरिंग टैप एंड सीवर कनेक्शंस, रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड क्रिएटिंग ए सर्कुलर वाटर इकोनॉमी। तो ये कुछ मिशंस हैं अप्रोच जल जीवन मिशन अर्बन का। होप ये आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
ये आपके मेंस ऑफ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बोथ जल जीवन मिशन अर्बन एंड जल जीवन मिशन रूरल रीजन एरियाज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं डीएनए के एक अलग सेगमेंट में, तब तक के लिए शुक्रिया।